तो परिवार जो चलाता है तो उस परिवार में सब चीज का जरूरी रहता है, लेकिन सब चीज पूरा नहीं होता है। आज तक किसी से हुआ है, चाहे मुकेश अंबानी भी हो और इधर हम लोग हैं, तो ये जो चीज है ये बराबरे चलते आता है। जो 2 करोड़ कमाता है वो भी, जो 500 कमाता है वो भी। प्रॉब्लम परिवार में हर एक आदमी को, लड़का बच्चा है, किसी का कपड़ा फट जाता है, किसी का स्कूल बैग फट जाता है, किसी का क्या होता है तो प्रॉब्लम, तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब तुरंत आदमी कर देगा ठीक करके, लेकिन बाकी चीज जो है वो पूरा नहीं होता है परिवार में कोई भी हो, ये फैक्ट बात है। तो इसमें आपको गुस्सा मत कीजिए, अगर आपका ये फटा हुआ है ना तो गमबूट पहनिए। अभी मैं डेली फोन करता हूँ, कल भी हमारे पास आया था कोई, एक शू बोला फट गया है, मैं तुरंत लिख दिया और उसको फोन किया, बोला आ रहा है मैं दे देता हूँ, तो उसको मैं, हम लोग खबर कर रहे हैं और कोशिश में है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को मान लीजिए 50 आदमी, आप ही नहीं हैं, 200 आदमी 250 आदमी पूरा कंपनी में है, तो उसको चलाना, ये भी एक परिवार ही है। तो थोड़ा बहुत दिक्कत हर एक जगह होता है। पानी के बारे में, ये सिंटेक्स के बारे में तो हमको कोई बताया था? नहीं बताया था। अब एक अब हमको फिर देखो, ये फिर तीसरा बात बोल, लगता है ये परिवार से अलग है, इसी परिवार में सब है, परिवार से अलग कोई नहीं है। तो सबको कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता है, वो प्रॉब्लम जो है पूरा 100% वो पूरा किसी से नहीं हुआ है और ना होगा किसी से, चाहे जो भी हो। उसमें ये देखा जाता है तो जो बड़ा पैसा कमाने वाला आदमी होता है वो ये देखता है, जो ये छोटा पैसा कमाने वाला जो 200-400-500 वाला जो है, जो डेली कमाता है, वो अधिक खुशी से रहता है और सुखी से रहता है, उसको चिंता उतना नहीं रहता है जो कल हम क्या करेंगे। लेकिन यही एक अंतर है, जो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो 500 कमा रहा हूँ। तो बहुत ऐसा आदमी भी है जो, जिसको खाना भी टाइम पर नहीं मिलता, जो बोलेगा मैं बहुत गरीब हूँ तो नीचे देखे तो उसमें भी गरीब का अंत नहीं है। और जो समझ जाए हम बहुत बड़ा शक्तिशाली हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो ऊपर देखे और दुनिया में उसका भी कमी नहीं है। तो थोड़ा मिला जुला करके चलना जरूरी है। अब मिला जुला करके सब चलेगा तभी होगा ना। तो इसमें गुस्सा करने का जरूरी नहीं है, ये हम लोग भी सर भी सुन लिए हैं, यहीं पर पीएम सर भी है, खबर लेंगे। जैसे गाड़ी वाला का प्रॉब्लम था तो गाड़ी वाला को बोला गया है, जो गड़बड़ी करता था नहीं बैठाता था, तो वैसे प्रॉब्लम होते जाएगा और सॉल्व भी होते जाएगा, तो ये बात हो जाता है। अब आइए साइड की बात। तो साइड में जो आदमी आ जाता है ना, तो चिंता फिक्र, घर का चिंता हो, कहीं का चिंता हो, वो छोड़ देना जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग साइड पर हो गए हैं तो ध्यान रहेगा काम पर। एक समय में एक दिमाग एक ही काम करता है, ऐसा ना हो कि उधर का चिंता रहेगा और इधर काम करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ टूलबॉक्स हो गया तो माइंड फ्री करके रहना है, किसी पर गुस्सा नहीं करना है, किसी पर द्वेष भाव नहीं रखना है, और जहाँ तक हो सके समस्या होता है, समस्या का समाधान करना जरूरी है।